यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत ही भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और लोकसभा रायगढ़ के प्रभारी आशीष गंजवारी का लेलुंगा विधानसभा में आगमन हुआ है। बता दें कि लेलुंगा यूथ कांग्रेस में उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया है। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रत्येक बूथ में काम करने के गुण बताए हैं और आगामी चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमतों से जीत दिलाने की अपील की गई है और उनके साथ ही राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर 5 महीने तक साथ चलने वाली अंशिका कुजूर और संजय पाठक मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ जैसी पावन धरती पे मुझे काम करने का मौका हमारी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मिला है और आज हम जशपुर में हैं। हमारे साथ माननीय विधायक जी हैं और साथ ही साथ यूथ कांग्रेस आने वाले चुनाव में क्या भूमिका निभाएगी उस पर आज हमने चर्चा की है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूथ कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और एक बार पुनः हम छत्तीसगढ़ में भूपेश आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश में लोकसभा प्रभारी यूथ कांग्रेस के आशीष गजनवी जी हमारे लेलुंगा विधानसभा में आए हैं और उनके द्वारा बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो के तहत लेलुंगा विधानसभा के सभी युवा कांग्रेस के साथियों को यहां बैठक रखे गए थे। बद्दी के शीतलपुर स्थित शैल आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी ही धूमधाम तरीके से मनाया गया है, जहां पर इस मौके पर ही पूरे प्रदेश भर में आए हुए सैकड़ों शिष्य ने गुरु पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया है। बताना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पावन अवसर पर ही 7 दिन पहले ही आयोजित श्रीमद भागवत कथा विधिवत संपन्न किया गया है। इसके साथ ही हवन डालकर भागवत कथा को विश्राम दिया गया है। उसके साथ ही गुरु पूजन किया गया है। इस मौके पर ही भंडारे का आयोजन भी किया गया था। खास खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।